जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप मल्टी पिक्चर इंट्रो टेम्पलेट काइनमास्टर में कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले काइनमास्टर ओपन करेंगे और उसका जो न्यू फाइल में आप 16:9 है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसका साइज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि आप अपने पिक्चर्स जो भी आप करना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर, उसको सिलेक्ट करेंगे। अपनी गैलरी, अपने इमेजेस, कहीं से भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको देखेंगे। आप ये देखेंगे कि ये जूम जो है आउट हो रही है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें जो है अपनी पिक्चर ऐसे चाहिए कि जो कि हमारी टेम्पलेट में जूम इन हो रही हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे कि क्रॉपिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे। आप सबसे पहले जो फर्स्ट विंडो है उसको अपना जो है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, उसका साइज़ कि आपको पिक्चर का साइज़ कितना चाहिए, एक्चुअल साइज़, ठीक है। जो सेकंड में है आप जो है वो जूम इन करेंगे पिक्चर को, ठीक है। ये देखें, आपने उसमें भी पिक्चर का साइज सेलेक्ट कर लेंगे और जब आप उसको प्ले करेंगे कि आप देखेंगे कि जो आपकी पिक्चर है वो पहले जूम आउट हो रही थी लेकिन वो अब जूम इन हो रही है और आप इसको अपने टेम्पलेट में यूज़ कर लेंगे। इसी तरह जब ये जो है हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको जो है वो सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम अपनी सेकेंड फाइल चूज़ करेंगे, कोई सी भी अपनी पसंद की कोई सेकेंड पिक्चर हम ट्रैक करते हैं, उसे बिल्कुल उसी मेथड से सिलेक्ट करेंगे। इसको प्ले करके देखते हैं, ओके। ये भी आप देख सकते हैं कि ये जूम आउट हो रही है जबकि हमें अगेन जो है ऐसी पिक्चर चाहिए जो कि जूम इन हो रही हो। क्रॉपिंग के ऑप्शन में जाएंगे हम और वहाँ पे हम अगेन पिक्चर का साइज सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाली विंडो में, और सेकंड में हम उसको जो है जूम इन करेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें पिक्चर का कौन सा जो पार्ट है या कौन सा हिस्सा जो है उसको हमें जूम इन में लाना है। आप ये देख सकते हैं कि बड़े ये जो है ये जूम इन हो रही है पिक्चर, इसको भी हम एक्सपोर्ट करने के लिए सेव कर लेंगे। अब जो थर्ड है वो हम अगेन से दोबारा से जो है अपना मीडिया सेलेक्ट करेंगे, नहीं एक नई पिक्चर, ठीक है। इसी तरह वही वाला मेथड सेम हम यूज़ करेंगे। आप इसको गौर से देख लीजिए, मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप सर इसको अच्छे तरीके से समझें कि आपने इसको कैसे फॉलो करना है। तो इसके लिए क्रॉपिंग का ऑप्शन अगेन यूज़ करेंगे और अपनी पिक्चर का साइज सिलेक्ट करेंगे, उसका लेआउट चेक करेंगे कि आपको कौन सा पिक्चर का पार्ट जो है वो चाहिए। आपको पूरी पिक्चर चाहिए या कि उसका कोई हिस्सा चाहिए। कि देख सकते हैं कि मैंने क्रॉपिंग से उसको एडजस्टमेंट कर ली है, मुझे सिर्फ मेन फ्लावर का पार्ट चाहिए और जो है जब वो जूम इन हो तो बिल्कुल वो फ्लावर पर फोकस करें। आप ये देख सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्लावर के ऊपर फोकस कर रहा है। इसको भी मैं सेव कर लिया है मैंने, और अगेन से मैं 16:9 जो साइज़ है, ठीक है, उसमें मैं एक अगेन पिक्चर एक अगेन मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसको भी मैंने बिल्कुल कॉपी का वही मेथड चूज करते हुए उसको भी मैंने जो है उसका लेआउट मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये देख सकते हैं कि इस तरह मैंने क्या किया है कि मैंने चार डिफरेंट पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब इन चारों को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट, जितने भी हमने ये चार प्रोजेक्ट किए हैं इनको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे वन बाय वन अपनी गैलरी में या फिर अपने फ़ोन स्टोरेज में, कहीं पे भी जो है हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। इससे ये होगा कि ये हमारी परमानेंट जो है वो सेव हो जाएंगी और हमारी जो है फर्दर प्रोसेस में ईजीली हम इनको यूज़ कर सकेंगे, ओके। ये देखिए, ये भी मैंने इसको भी मैंने सेव कर लिया है। इस तरह से हमारी तमाम जो है वो सेव हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने एक न्यू मीडिया फाइल ओपन कर एक न्यू फाइल ओपन करनी है, एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है और उसमें हमने बैकग्राउंड चूज करना है जो कि हमारी जो है इंट्रो का बैकग्राउंड होगा। ये आप देखिए, अब ये है कि ये मूविंग बैकग्राउंड है जबकि हमें जो बैकग्राउंड चाहिए वो स्टिल चाहिए। उसके लिए क्रॉपिंग के ऑप्शन में हम दोनों को जो विंडोज़ होती हैं उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो स्टिल हो जाएगा, वो मूविंग नहीं रहेगा। अब हम वन बाय वन अपनी जितनी भी मीडिया फाइल्स जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल्स जो हमारी पे थी जिनको हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर लिया था उसको मैंने किया था, मैं अब क्या करने जा रही हूँ कि वो सारी की सारी मीडिया फाइल वन बाय वन मैं यहाँ पे जो है उनको
जो लेयर्स में मीडिया में जाके मैंने उनको जो लेयर्स में जो है यानी कि मैंने चार लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं वन बाय वन करके और उनको जो है एडजस्ट कर दिया है अपनी अपनी जगह पे। ओके, ये मैं अपनी लास्ट वाली करने जा रही हूँ। ये देखिए जो मेरी जो लास्ट थी वो वाली पिक्चर ये डाउनलोड हो गई और उसको भी मैंने अपनी जगह पर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम वर्किंग करके देखते हैं कि कैसे काम करती है। प्ले करते हैं हम बटन और ये देखें कि प्ले के बटन में चारों फाइल जो है वो जूम इन हो रही और बैकग्राउंड वो स्टिल है लेकिन बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल कुछ मैच हो रहा है। तो इसको हमें थोड़ा सा आउट करने के लिए क्या हम करेंगे कि जो मेन मीडिया जो हमारा है उस फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उस फाइल को जब हम सिलेक्ट करेंगे आप देखें, ठीक है, तो हम अपने फाइल को जो है ये हमारे चारों हम लोगों ने इसके लिए एडजस्ट कर लिया है और यहाँ पर हम अपनी फाइल को सेट कर लेंगे, बिल्कुल इनकी लेआउट एडजस्टमेंट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल इक्वली एक ही टाइप पे सारे के सारे जो हैं वो इसमें आए ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और ये एक ही टाइम पे स्क्रिप्ट सब ले हूँ और देखने में अच्छा लगे। ये देखेंगे मैंने इसको जो है इसकी जो भी लेआउट था इसकी एडजस्टमेंट थी उनको प्रॉपर कर लिया है और ये सब जो है वो प्रॉपर एक ही टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं और एक टाइम पे जो है इसका इनका जो टाइम है वो बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि जो अपनी मेन मीडिया फाइल है उसको एडजस्ट कर उसको कलर फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, कलर फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे हम और उस पर सेलेक्ट करके हम उसके कलर फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे, उसका कलर फिल्टर कर लिया है और उसके बाद हम उसको सेव करके क्या करेंगे कि अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक इंट्रो बेस्ट इंट्रो जो है वो रेडी हो चुका है जिसको हम अपनी यूट्यूब वीडियोस में या किसी भी जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो कि हमें अपनी फ़ोन गैलरी में जो है हमारी स्टोरेज है उसमें अवेलेबल होगा।